नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम व्हाट्सएप को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो हमारे पास में नए फीचर्स आए हैं व्हाट्सएप में। यस, तो स्टेटस बार, तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिए व्हाट्सएप। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लेना है। दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले हमें मिलता था 3 टैब्स। यस, पहले जो कॉलिंग की लेफ्ट में मिल जाती थी स्टेटस का, और स्टेटस के कोई टैब्स नहीं होते थे, चैट्स होते थे एंड देन एक और कॉलिंग और ये चैट्स के होते थे। बट अब हमारे पास में एक कैमरे का है, जो कि आप डायरेक्टली यहां से कोई भी पिक्स क्लिक करके और किसी को भी डायरेक्टली आप सेंड कर सकते थे। तो ये देखिए, यहां पे मैं इसे अगर पिक क्लिक कर रहा हूं और डायरेक्टली यहां पे सेंड बटन पे आ रहा हूं, तो ये सेंड हो जाएगा किसी को भी। तो जिसे अगर मर्जी जितनों को आप सेंड करना चाहो, या फिर अगर आप चाहते हो तो स्टेटस में भी लगा सकते हो सेंड टू माई कॉन्टैक्ट। ओके, तो चलिए इसके आगे मैं बात करता हूँ इसमें स्टेटस बार की। तो अब स्टेटस का हम बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टेटस में आपको मिल जाता है कि एक नया अलग सा टैब और नीचे में ये व्यूइंग अपडेट्स। तो अगर कोई और अगर आपके किसी दोस्त ने स्टेटस अपना अपडेट किया है तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक नया अपडेट। यस, अब देख सकते हैं, ये देखिए, ये इन्होंने 8 मिनट पहले स्टेटस चेंज किया था एंड ये इसने 14 मिनट पहले स्टेटस चेंज किया था, और मैंने भी 2 मिनट पहले चेंज किया था। और यहाँ पे आपको नीचे फ्लोटिंग बटन मिल जाएंगे, यहाँ से आप स्टेटस चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये स्टेटस लगाना चाहता हूँ तो इससे कि हमें पिक क्लिक कर लेना है, और पिक क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर टेक्स्ट बटन मिल जाएगा। टेक्स्ट बटन में आप इससे टेक्स्ट लगा सकते हो, इसमें जो भी आपको टेक्स्ट लगाना है। ठीक है, तो और आगे मैं बात करूँ तो आपको इमोजेज मिल जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर एरो की बात करें तो आप एरो लगा सकते हो या फिर चूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे आपको फनी वे में भी मिल जाएंगे। यस, तो आपको जितने भी इमोजेज मिलते हैं एंड्रॉयड 6 पॉइंट, अभी तो जो भी आपके एंड्रॉयड वर्जन पर डिपेंड करता है, आपको वो चीज़ें मिल जाएगा। और आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्राइंग टैब्स। यस, ड्राइंग टैब्स पे आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अपना कलर चूज कर सकते हो। एंड कलर चूज करने के बाद में आप इसे जो मर्जी जिस तरीके से आपको चाहते हो उस तरीके से आप इसे ड्राइंग करके एंड देन कैप्शन भी लगा सकते हो नीचे। यस, यहाँ पर अगर मैं लिख ले रहा हूँ, ओके, तो अब ये हमने कैप्शन भी लगा लिया एंड देन सेंड। तो ये सेंड का मतलब होता है कि आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है उन सब पे ये आपका स्टेटस जो है सो सेंड हो जाएगा। यस, तो ये काफ़ी नए फीचर से थोड़े से अपग्रेड किया गया है, और इस हिसाब से अगर आप किसी और का स्टेटस देखते हो तो आपको नीचे एक रिप्लाई बटन आएगा। रिप्लाई जब दोगे तो आपको एक मैसेज में वो रिप्लाई उनको चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं इनको हाई बोलता हूँ तो ये जो रिप्लाई उस पर आ गया हाई का। यस, तो आप देख सकते हो ये काफ़ी नए फीचर्स है, और आपको जो वीडियो कॉलिंग के भी फीचर्स अब आ चुकी है ऑफिशियल, तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के फर्दर नेक्स्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।